स्वर्ग और नरक के बारे में विभिन्न धर्मों में प्राचीन काल से ही एक भ्रांति बैठी हुई है कि स्वर्ग सत्य है या असत्य है, या नरक सत्य है या असत्य है, स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है, स्वर्ग क्यों जाते हैं, नरक क्यों जाते हैं, क्या कारण है। स्वर्ग की जो परिभाषा है वो है इंटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ प्लेजर, यानी कि अधिकाधिक सुख का अनुभव करने को कहते हैं स्वर्ग, और सघन दुख का अनुभव करने को कहते हैं नरक। क्योंकि ये जो शरीर है हमारा एक प्रकार का वाल्व है, ये वाल्व एक सीमा तक तो कार्य करेगा, यानी सुख या दुख को अनुभव कर पाएगा, लेकिन एक सीमा के बाद में जब आगे बढ़ अति हो जाएगी तो शरीर मूर्छित हो जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाती है, और फिर जो उसका सूक्ष्म शरीर है वो फिर स्वर्ग या नरक का अनुभव करता है, क्योंकि मन तो वहीं पर विद्यमान है, उसका मन यहाँ भी विद्यमान है, मन वहाँ भी विद्यमान है। और बहुत बार ये भी देखने में आता है कि अनेक प्रकार का जो नरक का अनुभव है व्यक्ति यहाँ भी करता है, और अनेक प्रकार का जो स्वर्ग है वो भी यहाँ अनुभव कर लेता है। लेकिन ये स्वर्ग और नरक की प्राप्ति क्यों होती है? स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है सकाम्य कर्मों से। जैसे कि कोई व्यक्ति दिनमान भर अपना कोई, जैसे सत्संग है, ध्यान है, भजन है, सेवा है, यानी कि वो शुभ कर्म में लगा हुआ है, और रात्रि को जब उसे सपना आएगा तो उसी प्रकार का सपना आएगा, और अगर वो दिनमान भर अगर अशुभ कर्म में लगा हुआ है, पाप कर्म में लगा हुआ है, चोरी में लगा हुआ है, जो भाई जो उसे यहाँ भी था, सपने में भी वो एक प्रकार का उसे भयभीत होते रहेगा वो। लेकिन जब वो सपना देख रहा है तो वो पूरा सत्य है, सपने में चाहे वो सुख का अनुभव कर रहा है या दुख का अनुभव कर रहा है तो पूर्ण रूप से सत्य है। लेकिन जैसे ही सपना टूटा तो न तो सुख है न वहाँ दुख है, वो एक प्रकार की भ्रांति थी, इल्यूजन था, यानी कि स्वप्न था। ठीक ऐसे ही ये जो मानव शरीर है ये भी एक प्रकार का स्वप्न है, ये दीर्घ स्वप्न है। इससे जगने के बाद में, यानी अपने आप में स्थित होने के बाद में, फिर वो यहाँ के भी जो सुख दुख हैं उनसे परे हो जाता है। तो कारण क्या है? सकाम्य कर्म है। तो अगर व्यक्ति जब जीवन पर्यंत अपने या वो सकाम्य शुभ कर्म करते रहता है, दैवी गुणों के आधार पर वो कर्म करता है, तो शरीर की मृत्यु के बाद में उसका जो सूक्ष्म शरीर है फिर वो स्वर्ग का अनुभव करता है। स्वर्ग में उसे अद्भुत प्रकार के भोग मिलते हैं, यानी कि वहाँ जो उसने यहाँ कल्पना नहीं की है वो स्वर्ग में उसे प्राप्त होता है। अगर उसने दैनिक जीवन पर्यंत उसने अगर आप अशुभ कर्म किए हैं, आसुरी कर्म किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो शरीर की मृत्यु के बाद में वो फिर एक प्रकार का अत्यंत दुखों वाला नरक का अनुभव करेगा। कहने का तात्पर्य है काहू न कोई सुख दुख कर दाता, स्वर्ग प्राप्त हो रहा है अपने कर्मों के कारण में, नरक प्राप्त हो रहा है तो अपने कर्मों के कारण में। लेकिन जैसे कि सपना टूट जाता है तो वो भ्रम मिट जाता है, वैसे स्वर्ग और नरक जो हैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से परम सत्य हैं, उचित हैं, लेकिन उन्नत दृष्टिकोण से, सुप्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वर्ग भी एक प्रकार की भ्रांति है, इल्यूजन है, केवल मन का खेल है। तो फिर ये अलग अलग धर्मों वाले फिर कहते हैं कि हमारा स्वर्ग इस प्रकार का है, हमारा नरक इस प्रकार का है, अलग अलग परिभाषा को गाड़ते रहते हैं। वो भी सही है, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म वाले अपने दैनिक जीवन में उनकी जो मानसिकता है, उन्होंने उनकी मानसिकता ने अपने अचेतन मन में जो संस्कार बना रखे हैं स्वर्ग के, वो अलग प्रकार के बना रखे हैं। दूसरे धर्म वाले ने अपने संस्कार अलग प्रकार के बना रखे हैं, और वो जो संस्कार हैं उनके मन की गहराई में बैठे हुए हैं, गहराई तक गए हुए हैं, और जैसा उनका अनुभव यहाँ पर उन्होंने अपने अनुभव उन्होंने लगाया था, जैसी कल्पना उन्होंने की थी, उसी प्रकार का शरीर की मृत्यु के बाद में उनको या तो स्वर्ग का अनुभव होगा या उनको नरक का अनुभव होगा। लेकिन अलग अलग धर्म वालों को अलग अलग प्रकार के स्वर्ग और अलग प्रकार के नरक का अनुभव होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है
कि एक विचारवान होने के नाते, एक भक्त होने के नाते ये देखना है कि स्वर्ग की प्राप्ति क्यों होती है, नरक की प्राप्ति क्यों होती है। यहाँ जो सकाम में शुभ कर्म किए हैं या सकाम में अशुभ कर्म किए हैं उनके अनुसार में या तो स्वर्ग मिल रहा है या फिर नरक मिल रहा है। लेकिन जो कर्म है उन कर्मों का फल तो स्वर्ग है, उन्हीं कर्मों का फल तो नरक है। वो जब कर्म समाप्त हो जाएंगे तो फिर से लौट के आना पड़ेगा, अनेक योनि में घूमना पड़ेगा। तो ये क्रम निरंतर चलते रहता है सुख दुखों का। तो भक्त होने के नाते विचारवान विचार ये रखना है कि मैं सकाम शुभ कर्म क्यों करूं, यानी कि मैं जो भी कर्म करूं मैं उसको ईश्वर अर्पण कर दूं, या मैं एक निमित्त भाव से भगवान का मैं कार्य करूं, या संपूर्ण जगत ईश्वर का है तो मैं भी उसमें उसका एक अंश हूं, ये सब कार्य भगवान के हो रहे हैं। इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म करने पर क्या होगा कि अशुभ कर्म तो नहीं बनेंगे, शुभ कर्म बनेंगे। अगर इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो शरीर के छूटने के बाद में फिर उसे स्वर्ग की उन्नत स्थिति में जाना पड़ेगा अपने जो शुभ कर्म किए हैं, और फिर वहाँ से लौटने के बाद में फिर वो उसका जो फिर वो जो मनुष्य देह में आएगा वहाँ पर फिर वो और उन्नति करेगा और फिर वो धीरे धीरे मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, जहाँ की स्वर्ग और नरक से वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। कभी कभी होता है कि उसे स्वर्ग का भी उसे नरक का अनुभव करना पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर थे पांडवों के बड़े भाई, उनको नरक से केवल जाना पड़ा, वो आवश्यक था, क्योंकि कभी कभी जो कुछ अशुभ कर्म बीच में बाधा डालते हैं दूर यानी कि मोक्ष मार्ग में, तो उनको क्षीण कराने के लिए भी कभी कभी उसे ऐसा